वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार ऑल ओवर इंडिया से जो भी हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, पारा मेडिकल, मोस्ट पॉपुलर पोस्ट, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन से संबंधित जो भी बहाली आ रही है उसकी मैं लगातार आपको जानकारी दे रहा हूँ और आपका सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से जितने भी यूट्यूब चैनल हैं अभी आपको यूट्यूब पर, उनका एक ही मकसद है कि सारे कैंडिडेट को जो है अधिक से अधिक जो है जानकारी, जॉब से रिलेटेड जानकारी दी जाए और साथ ही साथ जो है स्टडी मटेरियल, ठीक है, ऑनलाइन क्लास ये सब प्रोवाइड कराया जाए। तो सारे यूट्यूब चैनल को, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जो हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर या पैरामेडिकल पोस्ट रिलेटेड जो जानकारी दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनके माध्यम से जो है सारे कैंडिडेट को निश्चित रूप से फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि हेल्थ एंड सेंट्री इंस्पेक्टर ऐसा पोस्ट है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ऐसा पोस्ट है कि जिसकी नोटिफिकेशन की जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक यूट्यूबर होने के नाते कितना मेहनत करना पड़ता है, सारे वैकेंसी को खोजना पड़ता है, खोज खोज के बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है किसी भी यूट्यूबर का। तो मैं सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आप जो है हर एक यूट्यूबर का सम्मान करें, उनको इज्जत करें, ठीक है, और उनका जो उनको सपोर्ट करें, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लगातार जो है हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर की, ठीक है, पैरामेडिकल, मोस्ट पॉपुलर पोस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जितने भी तरह की जो पैरामेडिकल पोस्ट की जानकारी है वो लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार सभी कैंडिडेट और सभी यूट्यूब चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनके माध्यम से ही सही लेकिन सारे कैंडिडेट को ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट की जानकारी मिल रही है। और जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि अभी ट्विटर पर ट्यूट का भी कार्यक्रम चल रहा है और लगातार जो है हम लोग हर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ट्विटर पर ट्यूट अच्छा कार्यक्रम है, आप ट्यूट कीजिए। तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं सारे कैंडिडेट को ज़रूर शेयर करें कि निश्चित रूप से ट्विटर पर जो ट्यूट कार्यक्रम है उसको हम लोग आगे बढ़ाए जा सके, ठीक है। ट्विटर पर जो ट्वीट कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हम लोग जो है कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, ट्विटर की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए है, हम लोग का मकसद यही है कि जब इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 70% सीट जो है आपका वैकेंट है स्टेट्स में, हर स्टेट में 70% सीट वैकेंट है, चाहे वो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की हो, हेल्थ इंस्पेक्टर की हो, ठीक है, सेंट्री इंस्पेक्टर की हो, तो आपका बहुत ही ज़्यादा सीटें खाली हैं। और दो जगह सीटें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी, पहला नंबर तो आपको मिल जाएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, नगर निगम में, और दूसरा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा हॉस्पिटल में। तो आप जो हैं अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको दो जगह की डिपार्टमेंट में, दो डिपार्टमेंट में जो है आपको जॉब होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वहाँ पर 70% सीट खाली है। पहला आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसे हम लोग नगर निगम, नगर पालिका बोलते हैं, और दूसरा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में, ठीक है। तो आज ये नोटिफिकेशन मुझे अंकित सिंह के द्वारा, जो गुजरात में मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, ठीक है, उनके द्वारा जानकारी दी गई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अंकित जी का कि निश्चित रूप से यह जानकारी वो मुझे इसलिए दिए हैं कि सर आप जो है लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये सहयोग मिलेगा और इस और जो भी कैंडिडेट हैं जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिलेगी। तो निश्चित रूप से सारे कैंडिडेट और सारे यूट्यूब चैनल का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक दूसरे का सपोर्ट करें और सपोर्ट करके हम लोग अधिक से अधिक, हम लोग का सभी यूट्यूब चैनल का और सारे कैंडिडेट का एक मकसद होना चाहिए कि सभी कैंडिडेट को है रोज़गार मिल जाए, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी कैंडिडेट को जो है रोज़गार मिले, इसके लिए हम लोग जो है लगातार एक्टिव हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, इस पर लगातार हम लोग एक्टिव हैं। तो आप पूरा एक दूसरे का सपोर्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जो डेली बेसिस पे है, ठीक है। तो इसको जो जितने भी लाइन बाय लाइन है मैं उसको पढ़ देता हूँ, आप उससे समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है कि ए डेली बेसिस वॉक इन इंटरव्यू हैज़ बीन अरेंज फॉर रिकरेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है,
फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मेडिकल पैरामेडिकल प्रोफेशनल अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल फिक्स्ड पे अरेंजमेंट अंडर एट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, IKDRC, ठीक है, IKDRC सिविल हॉस्पिटल कैंपस अहमदाबाद से, ठीक है, किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद से, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद कैंपस से आई हुई है बहाली, और उसमें जो है तरह तरह की पोस्ट है, ठीक है, जैसे सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत तरह का पोस्ट है, लेकिन हम लोग अपना बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर में अगर हम लोग जाएँ, 6 नंबर में स्टाफ नर्स की है, ठीक है, बहुत अच्छा है ये अभी, और सीट जो है 150 है, क्वालिफिकेशन जो है GNM और BSc नर्सिंग है, फिक्स पे है 13,000 पर मंथ, ठीक है, कोई बात नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, अब जॉब की शुरुआत करने के लिए कोई ख़राब नहीं है, शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका सेंट्री इंस्पेक्टर की, ठीक है, इसमें जो है दो दो सीटें हैं, सिंपल इसका क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आप अगर SI कोर्स, मतलब आप मैट्रिक पे भी SI कोर्स किए हो, और अगर आपका मिनिमम एज जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफिल करता है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद सेंट्री इंस्पेक्टर असिस्टेंट है, ठीक है, सेंट्री इंस्पेक्टर असिस्टेंट है, इसमें भी 2 पोस्ट है, और इसमें भी कहता है कि SI कोर्स मांगता है, तो बहुत अच्छा है कैंडिडेट के लिए। फिर डाइटिशियन का है, डायलिसिस टेक्नीशियन का है, ये तो हमारे कैंडिडेट के पास नहीं है। तो देखिए अब इसमें क्या कर रहा है कि ऑल द अबव पोस्ट आर अंडर प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड नो एडिशनल अलाउंस एंड पर्क्स वुड बी प्रोवाइड। कैंडिडेट पोजेजिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू रीच फॉलोइंग एड्रेस ऑन डेली बेसिस बिटवीन 9 AM टू 5 PM, ठीक है, 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक, विथ फोटो कॉपीज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन के साथ जो है आप जो है यहाँ पहुँच सकते हैं। कहाँ पहुँचना है तो किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर सिविल हॉस्पिटल कैंपस अहमदाबाद में, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। देखिए पैलेस यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बता दिया है कि किडनी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर IKDRC सिविल हॉस्पिटल कैंपस अहमदाबाद 16, ठीक है, अनलेस नो अदर एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिश डेली बेसिस वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द अबव नोटिस नोटिफाइड टाइम एंड प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नोटिस में दिया है क्या कि रिटायर्ड डॉक्टर पोजेज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो एलिजिबल, इफ कैंडिडेट पोजेजिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन आर नॉट एवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट फिजिशियन पेडियाट्रिक इन्वेस्टमेंट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो ये अच्छी सी एक जानकारी है वैकेंसी की जो आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मिल रही है, और निश्चित रूप से सभी कैंडिडेट और सारे YouTube चैनल जो मेहनत कर रहे हैं हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर के लिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और कैंडिडेट को इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।